कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने महंगाई सर्टिफिकेट बांटे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने रसूलपुर स्थित राजीव फ्यूल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए आम उपभोक्ताओं को महंगाई योद्धा का सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर डीसीपी न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए संजय किशोर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल 100 के पार जा चुका है। देश और प्रदेश की जनता को उनके धैर्य और साहस के लिए सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। साथ ही बताया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम जन समस्याओं का समाधान सर्वप्रथम प्रमुखता से करेगी। इस अवसर पर पेट्रोल भरवाने आए ग्राहक से जब संवाददाता ने पूछा तो उनका कहना है कि महंगाई ने सभी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में सरकार से निवेदन करते हैं कि महंगाई को कम करें। कोरोना काल से प्रभावित होने की वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जनता के लिए सरकार सोचे ताकि हम अपने परिवारों का गुजर बसर कर सकें। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ रिपोर्ट रुद्र बहादुर थापा, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। उन्होंने कहा कि हम जो है इस समय यहाँ पेट्रोल भराने आए हैं, महंगाई का जो असर काफी हुआ है। ये ऐसा में आइए, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संजय किशोर जी यहाँ पर हैं और उन्होंने जो है अभी एक जो कस्टमर है उनको इन्होंने महंगा योद्धा सर्टिफिकेट दिया है, तो इनसे पूछते हैं, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेन मकसद तो यह है कि जब भाजपा की सरकार आई, केंद्र में आई और फिर प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार बनी तो भाजपा के नेताओं ने वादा करा आम जन को राहत मिलेगी, गैस सिलेंडर के दाम आधे हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम जब इंटरनेशनल मार्केट में अपने चरम पे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो यूपीए की सरकार में तो 70 रुपए लीटर तक पेट्रोल बिकता था, 65 रुपए था, और आज जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम कम है तो इन्होंने अपने चरम सीमा पे उसको टैक्स बढ़ा बढ़ा के पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स लगा के आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया और डीजल भी उसके आसपास ही है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर होने जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई का जो है विरोध करना है और आम जन की इसमें भूमिका है, तो आम जनता भी उससे त्रस्त है, तो हमने इनको सर्टिफिकेट दिया कि इस महंगाई के दौर में भी आप जो है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को सीमित कर रहे हैं, जरूरी काम भी आते रह जाते हैं कई लोगों ने बताया, तो आपको हम सम्मान पत्र दे रहे हैं कि आप इतने धैर्य शौर्य के साथ काम कर रहे हैं, आप सम्मान के योग्य हैं। निश्चित रूप से जब कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, कांग्रेस की सरकार आमजन बनाएंगे तो इस महंगाई को वास्तव में कम किया जाएगा और कांग्रेस की जो पॉलिसी है शुरू से ही आम आदमी को राहत देने की रही है, रोजगार देने की रही है। जैसे कि आपने ये महंगाई योद्धा का जो सर्टिफिकेट दिया, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि आप इस मतलब इतने धैर्य से भी इस कहने को, सरकार के तो अच्छे दिन है लेकिन आम जन के बुरे दिन है, उन बुरे दिनों में अपने जीवन को चला रहे हैं तो ये सम्मान के योग्य है, इसलिए इनको ये सर्टिफिकेट दिया है कि आप धैर्य से काम ले, आने वाला जब वक्त आप कांग्रेस का लाएंगे, कांग्रेस की हुकूमत बनाएंगे तो आपको फिर एक बार आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, हंसी होगी, खुशी होगी, रोजगार होगा, काम धंधा होगा, महंगाई कम होगी।